अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब की? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ आ रहा है। ये भी ठीक है, मैं बता देता। ये आज चिकन हम बना रहे हैं, आज चिकन और आलू। दुआ आपने खुद ही बनाया हुआ है? ये किसने लगाई है? ये मैंने लगाई। तो फिर दुआ तो आपने खुद ही बनाया हुआ ना? अब इसको फूंक मारे और इसको जलाए। खुद ही जल जाती है। मैंने फूंक मारी है तो फिर ही चली है ना, खुद नहीं जल रही थी। आग फिर भी मैंने जलाई, अब देख कितनी अच्छी जल रही। धुआं तो अभी भी है क्योंकि लकड़ियां जो गीली हैं, क्योंकि जल तो फिर भी जल तो रही है ना। लगता है ये लकड़ियां अंधा कर देंगी। चिकन और आलू बन रहे हैं और धुएं ने हमारा इतना काम खराब किया कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा वीडियो बनाने के। मेरी आंखों में आंसू, इस बकी आंखों में आंसू, आंसू ही आंसू। हवा इस तरह से कि वो ऐसे गोल गोल हवा आती है, कभी इधर कभी उधर, तो फिर बहुत दिल तंग हुआ। पहले मैं इस जगह बैठा था जिस जगह मिस पर बैठी, मैं तंग होके उठ गया। अब फिर इसने कुछ टाइम फ्रेश हो लिया, अब इसकी बारी है। 5 मिनट लगाएगी फिर इसकी बात हो जानी है। पहुंचे आइए, घर में वॉशरूम नहीं है तो फिर वॉशरूम करना पड़ता है दूसरे घर में जाके। वो ये जो किकर है ना, इनसे आगे, इधर से नजर नहीं आएगा क्योंकि आगे से है किकर। ये ना छोड़ना, मेरी आंख में लग जाएगा कांटा। नहीं, आपकी आंख में नहीं लगता ये। और गेट के आगे जो है मट्टी कुछ डाली है, बाकी की इंशाल्लाह कल डलेगी क्योंकि अभी सब थक गए हुए हैं और मैंने तो आज कपड़े ही नहीं उतारे बिल्कुल। आज आपकी नियत खराब थी। हाँ बस क्या करें फिर, नियत तो कभी कभी खराब रखना ही पड़ती है ना। अगर नियत मेरी होती ना, मुझे उम्मीद थी हाँ जी ये कंप्लीट हो जाने की। नियत खराब ना किया करो, अब मुझे पछतावा हो रहा है कि नियत अच्छी रखनी थी। अब तो वक्त भी गुजर गया, अब पछताने से कुछ नहीं मिलना। जो हमने 4000 ईंट का एक चक्कर मंगवाया था, 1000 उनमें से किंगर थी ये पड़ी है, बाकी 4000 में से कुछ ये ईंटें बची हुई पड़ी हैं। बाकी जो इधर ये वाली थोड़ी सी और थोड़ी सी ये वाली किंगर में से बड़ी ज्यादा ईंट इस्तेमाल होगी, मतलब काफी ज्यादा ईंटें सही निकल किंगर में से। अब ये जो ये वाली ईंट है ना, ये लग जाएगी नीचे बेस में। कुछ ईंटें ऐसी थी जो ठीक ठीक थी तो वो हमने लगवा दी है दीवारों पे। ये वाला गेट है ना बड़े वाला, इसके रस्से अभी तक हमने नहीं खोले। अब हमने सोचा है कि इसके भी खोल देते हैं। आप फिर मोबाइल पकड़े दूर हो जाए क्योंकि मैं अनाड़ी बंदा हूँ, तो जब मैंने गिराने हैं ना तो पाँव नीचे आ जाना है। अनाड़ी जो बंदा है काम सही से करे, शुक्र है सही से काम कर लिए। तो इनकी जो वो गिरा लगी हुई उसको खोल दो, एक एक ईंट निकाल दो। कौन सा इतना ज्यादा टाइम लगना, थोड़ी सी तो ईंटे। अब इधर आ जाए कि ये उठाऊंगा तो ट्राली जो है ना ऑटोमेटिकली पलट जाएगी। अच्छा इसको क्या कहते हैं, मिस्त्री घोड़ी? हाँ ये लगानी नहीं आ रही थी, कौन लगाने वाला था उस दिन? जो भी था ना वो कहते थे घोड़ी नहीं सही घोड़ी। इसको समझ ही नहीं आती थी कि ये किस तरह से लगानी है, लेकिन मिस्त्री कितना वो तेजी से लगा लेते, उनको पता होता है। चलो बिखर गई सारी ईंटें। अब ये रस्सियां उठाने और ये डालेंगे चार पाइयों की रस्सियां निकाल, चार पाइयां दी डामणियां सिकाड़ के तो गेट नल टंगी हुई। और हमारी चार पाइयां बिचारी जो अधूरी है, आज तकरीबन कितने दिन हो गए हैं। पहले उनका बान लेना पड़ेगा, फिर वो बनवाने के लिए देनी पड़ेगी। घर में तो कुछ नहीं आना नहीं है। लोग कहते हैं भाई ये वीडियो बड़े इधर हमारे ना असल में बहुत सारे मेहमान रुके हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उनको ना हम टाइम दें किसी दिन बुलाएं और फिर उनको अगले को निकाल लें, फिर कुछ अरसा बाद जो बाकी जमा हो जाएंगे फिर उनको बुलाएंगे। तो कुछ हमारे जो है बहन भाई हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि आपकी फुफ्फो कहाँ गई है, तो फुफ्फो गई हुई है जी
अपनी बड़ी बहन के घर जो कि है शहर में रहती टोबा टैक्सी में, तो उधर गई हुई है उनके पास। और उसने आज है जुमेरात और मुमकिन है कि कल जुमे वाले दिन आ जाए, लेकिन मुझे इस बात का कन्फर्म नहीं है। किसकी टू टू हो रही है? मैसेज आ रही है। किसके हैं? सना के। जिस बंदे को हमने याद किया उसी के मैसेज आए हैं, मतलब ये इन्हीं के घर गई हुई है। पिक्चर सेंड की उन्होंने। किनकी? उन्होंने पिक्चर सेंड की अपनी, ये फूफो की, उसकी नहीं, दूसरी समिया। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी बाकी बहनों की। ठीक है, आज है जी हमारे लिए सुस्ती का दिन। ये टिक टक हो रही है, ये हम काम में कर लेते तो ये हमारी जो मट्टी थी ना, इसने एक तरफ हो जाना। मैंने अपना काम किया, मैंने खाना बनाया, मैंने आपसे पूछा था कि भी क्या काम, मेरी कोई हेल्प की जरूरत है? आपने कहा नहीं, खाना बनाओ। खाना बना दिया तो फिर अब आपने कोई काम नहीं किया। अगर मैं आपके साथ होती तो शायद काम आधा हो चुका होता। और ये जो मट्टी है ना, इसको हमने लगाना है एक साइड पे, मट्टी को बखेरना है। ये इधर देखें, ये थोड़ी सी हमने रखी हुई है कि हम पमाइश करेंगे। जिधर ये इधर गिराना पड़े, इधर गिराना पड़े, इसको उधर से ना यहाँ भी गिराना हो तो गिरा लेंगे। लेकिन हमारे पास सुस्ती इतनी आजकल चल रही है ना कि ये काम खत्म ही नहीं हो रहा, एक हफ्ते से पड़ा है। सीधी सी बात है, अगर मैं कहूँ कि ये काम करने वाला तो होता नहीं तो करते ही नहीं। आपके अलावा कोई काम होता है? मुझे बताएं, आपके अलावा कुछ भी नहीं होता ऐसे ना? नहीं। ये कहती है कि जिस काम में मैं ना हूँ वो नहीं होता, तो फिर जिस काम में आप ना हूँ वो कैसे हो सकता है? कि अगर मैंने कल या परसों दो तीन दिन हो गए मैंने बिल्कुल काम को हाथ नहीं लगाया तो कोई हो रहा है? कोई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, मानना है भैया आपको। इस बल्ब को आप देखते होंगे कि कार के दरमियान में क्या नमूना बनाया हुआ है, टुंगी होया बोए दे विच, कदी किदा जा रही है लकड़ी ते, कदी ए उधर से शुरुआत इसकी हुई मोटर पंप से, फिर इस जगह लगी रही, फिर उस जगह लगी रही, अब इस जगह है। अब इससे हमने और क्या निकालना कि इस बेचारी को ये गोण खा गई हो या इंसान को ये ऐसे रोग खा जाता है। अजीब बात है भाई, सच में आपको कोई रोग लगे हुए तो नहीं है? जैसे ये देखें, ये ऊपर से तो बिल्कुल टीक लकड़ी है और अंदर से देखें ये बिल्कुल सारी की सारी खत्म हो चुकी है। इंसान भी ऐसे ही होता है, देखने से परेशानियों से परेशानियां और फिर परेशानियों से रखते हैं रोग और फिर इंसान हो जाता है खत्म। हाँ। अब हमारा इरादा है कि इसको उस ऊपर लगाएं, एक साइड पे इधर लगाएं और फिर दूसरी साइड पे भी उस जगह भी बल्ब लगाएं। सोच रहे हैं कि क्या करें, पैसे बहुत चाहिए इन काम के लिए हैं। हाँ जी। पैसा मैंने कहा इन कामों के लिए बड़ा चाहिए होता है। पैसे तो वाकई बहुत लगते हैं। मैं कल परसों हिसाब कर रही थी, मैंने डायरी पे सारा कुछ लिखा। अच्छा मैं एक सेकंड आप चुप हो जाए, मैं आपको एक सिंपल सी बात करता हूँ। ये जितना भी हमने घर बनाया, दीवारें, मकान, बर्तियां, सरिये, सीमेंट, रेत, जो भी खरीदा है, मटियां खरीदी हमने, गेट लगवाया है हमने, अभी ये कुछ भी नहीं है काम। लेकिन इतना जरूर है कि इस घर में बेशक बंदा पूरी जिंदगी सार छुपा सकता है। इतना बड़ा कोई महल तो नहीं, इसके बदले हम एक कार ले सकते थे। जो मेरा अंदाजा है ना, एक फटी पुरानी कार हमें मिल जानी थी कोई। वैसे तो भाई अब एक करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियां, लेकिन कम से कम हमें एक गुजारे टाइप गाड़ी मिल सकती थी इसके मुतबादिल। इतना एक हमारा खर्चा हुआ है, बस हुई पड़ी। अब लाख लाख शुक्र है कि अब इतना हमने बना लिया, तो इंशाल्लाह आगे इतना तो भाई बना लिया कि ये मट्टी अब जो है ना, हम इसके ऊपर खड़े हैं ना, हमें कोई रोकने वाला नहीं है भाई। आप वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये कार है हमारा है, किसी की पावर ही नहीं आके कह जाए भाई क्या कर रहे हैं। अब ये तो है ना, शुक्र है अल्लाह पाक का। मैं डंडा फाद के खलोती कि नहीं, ये फाद के मेरे सेरे ची ना वगा छोड़ी। तेनू आवे कोई कावड़ लगे है ते मेरे सेरे च आवे। मारा नहीं, मेरा इतना दिल नरम है। सारे हमारे काम शाम हो गए हैं खत्म, खाना पीना भी हो गया है, काम आज हमने कुछ किया नहीं है। जो करवाया है वो आपके सामने है, वो भी आपको दिखाया। खैर आज के लोग को यही पे करते हैं, एंड काम नहीं किया तो इसलिए थोड़ा अपना जोश तो दिखाना ही है। आज कुछ नहीं किया हमने। यार जो भी हो जाए ना, अल्लाह ताला उसमें इतना बेहतर करता है कि हम बाद में सोचते हैं कि उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि ये काम गलत हुआ है, लेकिन काम बिल्कुल परफेक्ट था मेरे लिए। मतलब अल्लाह ताला उसमें बेहतरी कर देते हैं। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुश हो के, खुश हो के, खुश हो के, खुश हो।
खुश हूँ। मुस्कुरा के कहो, कहो भी। जब इतना ज्यादा प्यार देने वाले हों तो उनके लिए खुश तो रहना पड़ता है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।